हम तो यही प्रशासन से, सरकार से यही कहते हैं कि हमारे गुरुजी को बाहर आएं, ताकि जो समाज भलाई के कार्य चल रहे हैं, चल तो अभी भी रहे हैं, पर और भी रफ्तार तेज हो जाए, ताकि हर कोई अपना सुखी जीवन व्यतीत करे और बीमारी से भी छुटकारा पाए। क्या नाम है आपका? मीनो इंसा। मीनो इंसा जी, डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हो आप? मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। मेरे दादी जी, आगे मम्मी जी, हमारी यानी कि चौथी पीढ़ी इस मतलब डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। शास्त्र नाम जी से नाम लिया हुआ है मेरा। अब हजूर पिताजी ने, बच्चों ने भी, अपना सारा परिवार जुड़ा हुआ है। मालिक की रहमत से वेल एजुकेटेड परिवार है और सारे मतलब जुड़े हुए हैं। आज के समय में क्या कहना है आपका डेरा सच्चा सौदा के बारे में? आज के समय में मेरा ये कहना है कि जो हमें गुरु जी ने, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने हमें जो शिक्षाएँ, जो हमें गाइडनेस दी है, तो हमें उन सब पे, हम उन सब को अमल करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो समाज की भलाई के लिए ना हो। कोई भी काम ले लो, चाहे पौधारोपण है, ब्लड डोनेशन है। अब इस महामारी में कोरोना काल जो चल रहा है, जितना ये जो डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है या उसके जो अनुयायी हैं, जितना ब्लड डोनेट उन्होंने किया है, शायद ही किसी ने किया हो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। मतलब एक ऐसी संस्था है, हर टाइम तैयार रहती है, दिन हो रात हो, बस मैसेज आने की देरी है, फिर वो नहीं देखते, हर काम के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये समाज में जो कि अनजान है इस बातों से, इन भलाई कार्यों से, उनको भी आगे आना चाहिए। इतनी माँ मेरी फैली हुई है। आज हम स्पेशल जो है सफाई अभियान, ग्रीनस के मेंबर हैं और भी हैं जनता जो भी साथ हमारे, तो काफ़ी लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं। तो आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इस कोरोना महाकाल में ये अगर काम कर सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सेफ्टी रखते हुए, सैनिटाइज जैसे किया है, मास्क डाले हुए हैं, ग्लव्स डाले हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, मतलब अपनी सेफ्टी रखते हुए हमने जो भी काम करना है, वो हम समाज भलाई के कार्य के लिए तो बिल्कुल ही नहीं पीछे हटते, ना कभी हटेंगे। हमें जो गुरुजी ने शिक्षा दी आज तक, दिन है तो दिन, रात है तो रात, हमने नहीं देखा। तो पूरा का पूरा जो है कोशिश करते हैं कि साल में जितने काम हम कर सकते हैं, जितने बार हमारे कोई भी ओकेशन भी होता है, जैसे बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है, कोई बेटा बेटी कोई भी, तो हर ओकेशन में हम ये सोचते हैं कि समाज के लिए कोई कार्य किया जाए। जैसे कि गरीबों को राशन बाँटना, अभी कोरोना महाकाल में पहले गरीबों के घरों में हमने कच्चा राशन बाँटने गए, बाद में प्रशासन ने जो कहा कि बना के भेजो, तो बना हुआ भोजन भी उनके लिए तैयार किया और कैंप भी जगह जगह लगाए ब्लड के। हमारी ये होती है कि हमारे हर मेंबर जो है हर 3 महीने बाद तैयार रहता है ब्लड डोनेट करने के लिए भी, ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके। आई डोनेट है, आई डोनेट के लिए भी तैयार रहते हैं, बॉडी डोनेट के लिए भी तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि बॉडी डोनेट मरने के बाद तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र नाम जी ग्रीनस वेलफेयर्स के एक मेंबर, जिन्होंने जिंदा ही अपने उसके लिए कोविड, उसके लिए रिसर्च करने के लिए जो एग्री किया है, उन्होंने लिख के दे दिया था। रोहतक PGI में भी उनका वो हुआ है, तो उसके लिए भी तैयार हैं। जितना हो सके सारे मेंबर हम तैयार रहते हैं। तो यही समाज से, यही मेरी आम जनता से भी अपील है कि इन सब लोगों से प्रेरणा लेके उनको भी आगे आना चाहिए, ताकि जो है समाज में ये सफाई जो है, सफाई करने से ही बीमारी दूर हो सकती है। इसका सबसे मेन बढ़िया तो यही है। अगर हम जागरूक रहेंगे, मास्क पहनेंगे, अपना सेफ्टी रखते हुए, सफाई भी ज़रूर, बहुत ज़्यादा ज़रूर। और 15 अगस्त अब आया था, 15 अगस्त में हमने पौधारोपण किया। उसमें भी देखो पर्यावरण है, अगर वो हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि आप ऑक्सीजन की कमी देख लो, तो अगर हम वृक्ष ही नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो मतलब जितने भी भलाई कार्य हैं, हर किसी में भलाई समाज की ही चुकी है। अब आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, उनके लिए भी जो पौधे लगाए हैं, हम चाहे उसका भला ले ना लें, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज, उसको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। आज के समय में देखा जाए, कोई किसी को बाल तक नहीं देता, कोई किसी अपने रिश्तेदारों के बारे में भी नहीं सोचता, अपनों को भी खून दान नहीं करता। आपने बहुत बड़ी बातें बताई हैं कि जीते जी अपना शरीर दान कर देना कोविड-19 की रिसर्च के लिए। तो ऐसी सोच आप लोगों के अंदर आना, समाज के लोगों के अंदर आना कैसे पॉसिबल है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे परिवार के अगर घर में 2 बच्चे हैं ना, तो हमें दो बच्चों को मैनेज करने में भी लगता है कि कैसे सेट करेंगे। ये जो सोच है हमारे पूजनीय डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने, जो उनकी शिक्षा पे उनके सत्संगों पे चला है, उसने मतलब एक घर कर गई है कि हमारा घर का काम बाद में, लेकिन जो जिसमें समाज का भला हो वो काम पहले ज़रूरी है। ये सोच एक घर कर गई हमें उन्हीं की शिक्षा से, नहीं तो कोई हिम्मत नहीं है, कोई अपने घर में दो बच्चों को भी सेट नहीं कर सकता। जो कि इतनी जनता, मान लो 6 करोड़ के लगभग है, जो कि एक मैसेज अगर चला जाता है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा, राजस्थान, पूरा इंडिया। अभी जो सफाई अभियान भी हमारे गुरु जी की ही देन है। सबसे पहले हमारे गुरु जी ने सफाई अभियान शुरू किया था दिल्ली में, उसके बाद कई महानगरों में, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, मुंबई है, तो हम वहाँ जाते थे अपना ही अरेंजमेंट करके, सारा अपने झाड़ू, कस्सी, फावड़ा, जो भी चीज़ होती थी, और अपने ही साधन करके। तो इतनी दूर दूर तक भी सफाई अभियान, ये जो शिक्षा दी है, ये हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा हैं। वरना इंसान में तो कोई औकात नहीं है, वो तो अपने घर के मेंबर को खून देने के लिए तैयार नहीं होता। और ये जो है, किसी को जानते तक भी नहीं है हम, जिसको उसको भी ब्लड देने के लिए हम तैयार रहते हैं सारे। गुरु जी की आप बात कर रहे हो, उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहोगे फिर आप? ये जो सारे आरोप हमारे गुरुजी के ऊपर लगाए गए निराधार बेबुनियाद हैं। ये हमें तो समझ नहीं आया अभी किस बेस पे लगाए गए हैं, ना ही कोई ऐसी बात है। गुरुजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे, क्योंकि वेल एजुकेटेड हमारा परिवार है। हम अपने बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, शुरू से हमारा परिवार जुड़ा, हम जा रहे हैं। हमने आज तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखी। आजकल छोटा बच्चा भी समझता है कि अगर उसको एक बार कह दो कि यहाँ गलत हो रहा है तो वो भी नहीं जाएगा। और हमारे तो मतलब पूरी पढ़ी लिखी फैमिली, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, परिवार में सारे वेल एजुकेटेड हैं, और हमारी बहन, बेटियाँ, बच्चियाँ सब जाती हैं बड़े आराम से। हमें तो घर से भी ज़्यादा सेफ्टी वहाँ पर मिलती है डेरा सच्चा सौदा में। फिर इस तरीके से गुरु जी के ऊपर क्यों लगाए जाए होंगे, मतलब गुरु जी के ऊपर ही क्यों? ये जो मतलब मैं जहाँ तक समझती हूँ, जैसे नशे वगैरह हमारे गुरुजी ने छुड़वाए हैं, क्योंकि नशा जैसे है तो पता नहीं इनको ये लगता है कि दुनिया सारी हट के भले काम में लग रही है। जो नशे वैश्यवृत्ति है, जो ये बुराइयाँ छुड़वाई हैं, ये उन देखो व्यापारियों को, उनको क्या दिक्कत है? ये किसी कोई साजिश है मेरे हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है या इंडियन स्तर पे है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यही प्रशासन से, सरकार से यही कहते हैं कि हमारे गुरुजी को बाहर आएँ, ताकि जो समाज भलाई के कार्य चल रहे हैं, चल तो अभी भी रहे हैं, पर और भी रफ्तार तेज हो जाए, ताकि हर कोई अपना सुखी जीवन व्यतीत करे और बीमारी से भी छुटकारा पाए। मीडिया में जो कुछ दिखाया गया, क्योंकि हम नज़दीक से, बारीकी से हम हर चीज़ जानते हैं, जो भी दिखाया गया हमें उस किसी भी बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी दरबार में कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम क्यों जाते? हम औरों को भी रोकते, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सारे जुड़ें, अच्छे कार्य करें। क्योंकि ऐसी जो निराधार इन्होंने आरोप लगाए हैं, मेरे को तो आपने खुद को नहीं समझ आई ये किस बेस पे लगाए हैं, किस उस पे लगाए हैं, क्या मतलब इनका कानूनी कार्रवाई है? क्योंकि गुरुजी हमारे तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम प्रशासन का साथ देंगे। अब अनुयायी हैं जो, वो भी प्रशासन का साथ पूरा दे रहे हैं। आज जैसे प्रशासन ने रिक्वेस्ट की तो हम उन्हीं के, और हमारी मैनेजमेंट ने भी हमें दिया कि आप प्रशासन का सहयोग दो, तो हम तो एक इशारे पर प्रशासन का सहयोग देने को तैयार हैं। और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन भी हमें पूरा, हम जो चाहते हैं कि हमारे गुरुजी बाहर आएँ और हमारे कामों की जो रफ्तार है, समाज का रह के जो युवा है नशे में जुड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे अब सिरसा ज़िले में कितना नशा फैल चुका, कितना, और जो कि वो नशे से दूर होके और समाज भलाई के कार्यों में लगे हुए थे, तो ऐसी रफ्तार और बढ़े और बीमारियों से हमें निजात मिले। जब से वो गए हैं गुरुजी, मैं ये सोचती हूँ सबसे पहले तो जो नशा, शराब जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गली हर घर में देखो। जहाँ तो पहले 1 महीने में 15 दिन बाद नशा छोड़ने वालों की गिनती होती थी बहुत ज़्यादा कि आज इतने लोग नशा छोड़ के आए, वो घर घर नशा बढ़ रहा है। बुरा हाल हो रहा है समाज का। उनकी माएँ की हालत बहुत ख़राब है, जिनके आदमी वो करते हैं, औरतों को जब हम वो मिलते हैं वो कहते हैं बहन जी हमारा कुछ करो, हमारा कुछ करो। गुरुजी के होते हुए हमारे ये बच्चे सुधर जाते, अब हम क्या करें? तो हम तो ये सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या अपील करोगे सरकार से? यही अपील करूंगी कि हमारे जो डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, जल्दी से जल्दी मतलब बाहर आएँ और ताकि समाज के कार्य जो है हमारी स्पीड जो है और बढ़े। और जो नशा है, मेन नशा जो जड़ है, मेन सारे बुराइयों की जड़ है नशा, जहाँ से बुराइयाँ आगे और पनपती हैं, वो ताकि उसमें जो है रोक लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।